नमस्कार दोस्तों, यदि आप समर वेकेशंस के अंदर अपनी फैमिली फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज वाईटी भारत पर मैं आपके लिए 4 नाइट 5 डेज का एक जबरदस्त टूर पैकेज लेकर के आ गया हूं, जिसमें सर्विस भी बहुत सारी मिलने वाली हैं और कॉस्ट भी आपके लिए नॉमिनल रखी गई है। अगर आप इसे बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, तुरंत कॉल या व्हाट्सअप करिए, जानकारी हासिल करिए, जल्दी से जल्दी टूर पैकेज बुक करवा लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप बुक करवाएंगे उतना ही फ्लाइट की कॉस्ट भी कम आएगी और उतने ही मन पसंदीदा आप होटल भी बुक करवा पाएंगे। आपको मैं बता देता हूँ, इस टूर पैकेज के अंदर कम से कम 2 एडल्ट्स को जाने की रिक्वायरमेंट होगी। 4 नाइट 5 डेज का टूर पैकेज आपको मिलने वाला है और वैलिडिटी आपकी होने वाली है 30 जून 2023 तक की। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, एक रूम आपको दिया जाएगा, व्हीकल आपको सेडान मिलेगा, पिकअप पॉइंट श्रीनगर है और ड्रॉप पॉइंट भी श्रीनगर है। इंडिया या इंटरनेशनल के किसी भी कोने से यदि आप धरती का स्वर्ग देखने के लिए आ रहे हैं तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचना होगा और ड्रॉप भी आपको वापस श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं होटल डिटेल्स के बारे में। श्रीनगर के अंदर आपको मिलाद होटल, शिपाप होटल या सिमिलर इसे 3 नाइट दिया जा रहा है। डिलक्स हाउस बोट दी जा रही है 1 नाइट के लिए। टोटल पैकेज की कॉस्ट हमने रखी है 38,000 रुपए 1 कपल के लिए। तो दोस्तों इसको बुक करवाने के लिए बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि कश्मीर में जबरदस्त फुटफॉल हो रहा है और ज्यादातर टूरिस्ट ने पहले से ही होटल बुक करवा लिए हैं। लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कश्मीर घूमने के लिए 2023 की गर्मियों की छुट्टियों में, तो बिल्कुल भी देर ना करें। आइए आपको डिवाइस आइकन बताना शुरू कर देता हूं। D1 पर आप पहुंचेंगे श्रीनगर द लेक सिटी। यहां पर पहुंचने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से इस टूर का रिप्रेजेंटेटिव ड्राइवर कम गाइड आपको पिकअप करेगा, चेक इन के लिए ले जाएगा होटल के अंदर, चेक इन करिए होटल में और उसके बाद आप शाम के टाइम घूमने के लिए निकलेंगे शंकराचार्य टेम्पल, उसके साथ साथ मुगल गार्डन घूमेंगे और उसके बाद इवनिंग में लेजरी वॉक करेंगे, डल लेक का एक्सप्लोर करेंगे, लोकल मार्केट्स को और वापस आकर के ओवरनाइट स्टे करेंगे श्रीनगर के अपने होटल के अंदर। D2 पर आप निकलेंगे श्रीनगर से गुलमर्ग और वापस आएंगे श्रीनगर। D3 आपका होने वाला है गुलमर्ग, पहुंच करके आप घूमेंगे मिडो ऑफ फ्लावर्स वैली के अंदर। समर्स टाइम में गुलमर्ग के अंदर आपको गंडोला केबल का राइड के सेकंड लेवल पर अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। गुलमर्ग के अंदर आप एक्टिविटीज भी कर सकते हैं अपनी ऑन कॉस्ट पर, इंडिया प्रीमियर स्की रिजॉर्ट को भी घूम सकते हैं। इसके साथ साथ गंडोला केबल का राइड के जो 2 लेवल हैं उनको भी आप अपनी ऑन कॉस्ट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद आप वापस लौटेंगे श्रीनगर में, डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे रहने वाला है। D3 पर आप निकलेंगे श्रीनगर से सोनमर्ग और वापस आएंगे श्रीनगर। दोस्तों सोनमर्ग के अंदर कश्मीर की सबसे ज्यादा स्नोफॉल आप देख सकते हैं, पिक्चर्स क्यूब माउंटेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। 2743 मीटर की हाइट पर अबव है सी लेवल से। यहाँ पर सिंध रिवर बहती है बहुत ही फास्ट फ्लो मैनर में। यहाँ पर मार्शल फिशिंग भी की जाती है समर्स के अंदर। पोनी राइड के द्वारा आप यहां तक ग्लेशियर तक पहुंच सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं स्नो के अंदर अपनी ऑन कॉस्ट पे। रिटर्न करेंगे आप वापस शाम को श्रीनगर के अंदर, इवनिंग में डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे श्रीनगर के अपने होटल में। अब नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पहलगाम के बारे में, जो अमरनाथ केव का बेस पॉइंट भी है। यहाँ पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, श्रीनगर से निकल जाइए पहलगाम के लिए। द वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से पहलगाम को जाना जाता है। 96 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में। रास्ते में आपको अवंतीपुरा रिंग्स भी देखने को मिल जाएगा और सैफ्रन फील्ड्स भी मिल जाएंगे पंपोरे के अंदर। यहाँ पर आप घूम सकते हैं रास्ते में पाइन के फॉरेस्ट। अराइवल पहुंच करके पहलगाम में इंजॉय करिए लेडर स्ट्रीम को, उसके बाद वॉक करिए, मैग्निफिसेंट व्यू देखिए माउंटेन्स का। यहाँ पर पहुंच करके आप फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद हायर कर सकते हैं पोनीस को, जिसके द्वारा आप मिनी स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं कश्मीर के। यहाँ पर आप ग्रीन वैली भी घूम सकते हैं, बोबी हाउस घूम सकते हैं और बहुत कुछ है घूमने का पोनी के द्वारा अगर आप हायर करते हैं। अगर आप हायर करते हैं तो यूनियन कार को, तो उसके द्वारा आप ABC यानी कि आरो वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी को भी घूम सकते हैं। वापस आप आएंगे श्रीनगर के अंदर और ओवरनाइट आपका स्टे रहने वाला है श्रीनगर की हाउस बोट के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं D5 के बारे में। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट करिए लगभग 11 बजे के आसपास, ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा श्रीनगर के एयरपोर्ट पर और इस तरह से आपकी डे वाइज आइटनरी फिनिश हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। 3 नाइट का स्टे मिलेगा होटल के अंदर 2 लोगों के लिए, 1 नाइट का स्टे मिलेगा हाउस बोट के अंदर जो डल लेक के अंदर आपको खड़ी मिलेगी, 4 ब्रेकफास्ट मिलेंगे, 4 डिनर मिलेंगे जो इंक्लूडेड है ड्यूरिंग द स्टे, साइट सीइंग टूर मिलेगा पहलगाम का,
साइट सींग टूर मिलेगा गुलमर्ग का जो फुल डे होने वाला है, और 1.5 डे का लोकल साइट सींग टूर मिलेगा श्रीनगर का बाय प्राइवेट सेडान से, सब कुछ होने वाले हैं। साइट सींग टूर सोनमर्ग का मिलेगा बाय प्राइवेट सेडान कार से। इसके साथ साथ इस पैकेज की कॉस्ट में सभी टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगा सेडान कार से श्रीनगर एयरपोर्ट पर। उसके साथ साथ आपको डल लेक के अंदर शिकारा राइड 1 घंटे की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूडेड है जो आपको नहीं मिलेगा। गंडोला केबल कार राइड की टिकट जो गुलमर्ग के पॉइंट पर होती है। इसके साथ साथ गुलमर्ग में जो आप पोनी राइड्स हायर करते हैं, जैकेट एंड शूज जो रेंट पर लेते हैं गुलमर्ग में, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। स्पेशल एक्टिविटी जो भी आप गुलमर्ग सोनमर्ग में करते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी पर्सनल एक्सपेंस या लंच, ट्रांजिट कैब फॉर बेताब वैली चंदनवाड़ी जिसे हम ABC के नाम से जानते हैं, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके साथ साथ एयर फेयर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इस टूर पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं तो आपको लगभग कुछ एडवांस पेमेंट देकर के इस टूर को बुक करवाना होगा। बाकी सारी जानकारी के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस जबरदस्त ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। अभी जाइए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जानकारी हासिल करिए, कंपेयर करिए, और अगर आपको बेस्ट लगे तो इस पैकेज को बुक करवा लीजिए। ब्राइट ही भारत के वीडियो से जुड़े हुए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे और किस डेस्टिनेशन को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ब्राइट ही भारत पर, उसको भी शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बने रहिए ब्राइट ही भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।